हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम फाइव सेमिस्टर फाइव चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर हमारा टू है और सम नंबर है 15। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो लेक्चर है हमारा बीकॉम सेम फाइव चैप्टर नंबर टू सम नंबर 15। तो हमें क्या कहा गया है कि P1 इज इक्वल टू P2 हो तो साबित करो P4 इज इक्वल टू 2/3 इनी माइनस 2 घात। ये हमें साबित करने के लिए यहाँ पर हमें कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे साबित कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके सूत्र लिख देते हैं, प्रॉप एक्स इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात इंटू एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये हमारा सूत्र है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए। ये हमारा लेक्चर 4 है। इसके पहले के लेक्चर के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉप P1 और P2 दोनों ढूंढना है। तो सबसे पहले हम P1 ढूंढते हैं, उसके बाद P2। तो P1 हमें ढूंढना है, तो उसके क्या लिखते हैं, एक्स की जगह पर हम इसे 1 लिख लेते हैं। ये एक्स है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पर नीचे भी एक्स है तो हम यहाँ पर भी इसे एक्स लिख लेते हैं। तो सूत्र हमारा ये बनेगा कि P1 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात इंटू एमनी 1 घात अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो इसी तरह ये P2 का हम देखते हैं कि P2 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात एमनी 2 घात अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये जो x की जगह पर हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर भी हमने 2 ले लिया। अब हमें चौकड़ी गुणाकर करना है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है उसको हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ऊपर 2 आ जाएगा और ये छेद में है तो इसको हम वैसा कि वैसा ही हम इसे रहने देते हैं। और e माइनस एम इंटू एमनी 2 घात इसको हम वैसा के वैसा ही रहने देंगे और ये जो है इसको हम यहाँ पर छेद में लिख लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बनता है 2/1 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात इंटू एमनी 2 घात अपॉन ई माइनस एम इंटू एमनी 1 घात। तो ये देखिए, ये 1 घात है और ये ऊपर 2 घात है। तो ये दोनों को हम यहाँ से उड़ा देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक m, सिर्फ हमारे पास बचेगा m बचेगा। और यहाँ पर नीचे भी 1 है और यहाँ पर ऊपर 2 है तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2/1 अगर आप कैल्शियम में करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, 2/1 करोगे तो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर m बचा और यहाँ पर क्या बचा, 2। तो क्या आंसर क्या आएगा, m बराबर 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। ये देखिए, ये हमें क्या हुआ, ये साबित करने के लिए हमें कहा गया है, ये P4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू इनी माइनस 2 घात। ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे साबित कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं, प्रॉप 4 इज इक्वल टू एनी माइनस एम घात इंटू एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो हम एक्स की जगह पर हम 4 लिखेंगे अब। तो जहाँ जहाँ हमें एक्स दिखते हैं वहाँ पर हम इसे 4 लिख लेते हैं, इनी माइनस 2 घात इंटू एमनी 4 घात अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखिए, इनी माइनस 2 ऐसा वैसा ही रहने देते हैं हम। और एम हमें कितना मिला, ये हमारा एम कितना मिला, 2 मिला। तो 2 नहीं 4 घात, तो 2 ये हम, तो 2 को 2, 2 4, 4 2 8, 8 2 16।
ये हमारा कितना हुआ, सोल आंसर, ये सोल नहीं सोल हुआ। अब अपॉन नीचे कितना है 24, तो ये कैसे आया, तो 4 फैक्टोरियल इन मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 तरी 12 2 24, 24 है को 24, तो ये हमारा नीचे आएगा 24। अब नीचे 24 है और ऊपर 16 है, सोल अपॉन 24 ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, 8 2 सोल और 8 तरी 24, तो हमारा क्या आया 2/3 आया हमारा आंसर। तो ई माइनस ये 2 बचा और नीचे 3 बचा और ये वैसा की वैसा ही है, तो हमारा आंसर क्या आया ई माइनस 2 अपॉन 2/3। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, 2/3 इनी माइनस 2 घात, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये हमें यहाँ पर इसे हमने साबित कर दिया, देख लीजिए ये हमारे साबित करने के लिए हमें कहा गया था, तो हमने इसे साबित कर दिया। दोस्तों एक और मैं सम आपको बता देता हूँ, ये उसके ऐसा ही सम है, हम यहाँ पर इसे भी गिन लेते हैं। तो ये हमारा सम नंबर 17, ये आप देख सकते हैं, उसमें ये कहा गया है एक चल एक्स पॉइजन वितरण अनुसरे छे, P1 इज इक्वल टू P2 छे, तो P0 मेड़ो, हमें क्या ढूंढना है P0, P1 इज इक्वल टू P2 है तो हमें ढूंढना है P0। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं, हमने सूत्र लिख लिया, इसके बाद पहले हम एक्स की जगह पर उसकी 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। तो सर P1 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात इन टू एम नी 1 घात अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो इसी तरह P2, तो P2 माइनस इनी P2 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात इन टू एम नी 2 घात अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों का चौकड़ी गुणाकार करना है, तो ये 2 है उसको हम यहाँ पर अंश में लाएंगे और ये जो हमारा छेद में है उसको, ये अंश में है उसको हम यहाँ पर इसे छेद में लाएंगे। तो देखिए ये 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये जो है ये अंश में है तो ये इसे इसको हम यहाँ पर छेद में ला देंगे, तो e माइनस m इंटू एम नी 2 घात अपॉन e माइनस m इंटू एम नी 1 घात, ये हमारा हो जाएगा। तो नीचे 1 घात है और ऊपर 2 घात है, तो यहाँ पर उड़ जाएगा दोनों, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचा, 2/1, तो 2/1 करेगा तो आपका आंसर 2 ही आएगा, तो m बराबर आपका आंसर आ गया 2, ये m बराबर 2 हमें यहाँ पर मिल गया। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, P0 ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है P0। तो अब हम क्या करेंगे, P0 इज इक्वल टू इनी माइनस एम घात, एम कितना मिला हमारा 2 मिला, तो हम यहाँ पर इसे 2 लिख लेते हैं, और एम नी 0 घात, एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है, अब 0 लिखना है, तो यह हमने 0 लिख लिया। अब नीचे 0 फैक्टोरियल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये 2 की 0 घात, 0 घात मतलब इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, और 0 फैक्टोरियल अपॉन भागाकर में अगर 0 है तो उसका भी आंसर हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों हमेशा ये दोनों उड़ गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, P0 इज इक्वल टू इनी माइनस 2 घात, ये हमारा पास सिर्फ बचा है, तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा ई माइनस 2 घात। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये सम आपके लिए, ये बीकॉम सेम 5 वालों के लिए। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर इम्पोर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जान सके इस सम्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।